यहाँ पर आने के बाद जो मीटअप पॉइंट की लोकेशन एंड हो चुकी है। एंड दोस्तों अभी यहाँ से निकल चुके हम लोग बोरीवली से। भाई का एक्सप्रेस देखो यार, चमक रहा है यार, बहुत कड़क वाली धूप है, देखा भी नहीं जा रहा। तो भाई 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 ये क्या लेके चल रहा है भाई? यहाँ पर यार बहुत ज्यादा बेकार वाला ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद से बारिश आ रही है, छिटे छिटे गिर रहे धीरे धीरे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइड ब्लॉगर नितिन में। सो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है संडे मॉर्निंग राइड पर होने वाली है। दोस्तों ब्रेकफास्ट राइड पर अपन अभी जाने वाले और अब की बार दोस्तों अभी तो फिलहाल तो सोलो हूँ। अभी कुछ लोग जो है बोरीवली से मिलेंगे और अपनी राइड जो है स्टार्ट होगी। मीटअप पॉइंट है फर्स्ट मीटअप पॉइंट और सेकंड मीटअप पॉइंट। तो फर्स्ट मीटअप पॉइंट जो है बोरीवली में है, तो अभी फिलहाल तो मलाड से निकल चुका हूँ। तो अभी फटाफट से पहुँचते अपन बोरीवली। और दोस्तों ये फाइनली मलाड हाईवे भी आ चुका है और यहाँ से अभी लेंगे लेफ्ट हम लोग और सीधा जाएंगे देसर की ओर। बट उससे पहले हमें बोरीवली मीटअप पॉइंट पर रुकना है और मुझे पता तो नहीं है कितने लोग आने वाले हैं। ये दोस्तों एक मैंने न्यू ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम के लिए, तो देखते हैं अभी कैसे क्या लोग हैं, कौन है क्या है, पता नहीं मुझे, इसमें से किसी को भी जानता नहीं हूँ। सिर्फ एक भाई से कल बात हुई थी व्हाट्सएप कॉल पे, तो देखते हैं अभी कैसे क्या सीन है। और दोस्तों आ चुके अभी हम लोग बोरीवली और यहाँ से हमारी लोकेशन 1.7 किलोमीटर दिखा रही है। यार ये वाली रोड जो थोड़ी खराब है, तो आराम से चलेंगे हम लोग। यहाँ पर शायद से ये नेशनल पार्क का ब्रिज है, तो वो नहीं चढ़ना है, नीचे से जाना है हमको। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो मीटअप पॉइंट की लोकेशन एंड हो चुकी है, तो अभी पता नहीं कहाँ पर रुके हैं लोग, क्योंकि मैं जो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं है लोग कहाँ पर मिलते हैं। ये है बोरीवली नेशनल पार्क का इलाका पूरा, तो चलो किसी ना किसी भाई को कॉल करके पूछते क्या सीन है। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद ग्रुप के एक मेंबर तो आ चुके हैं यहाँ पर, जिनका नाम है अजिंक्य, मैं उनको जानता हूँ सिर्फ क्योंकि व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी मेरी उनसे। हाय ब्रो, तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। एंड दोस्तों अभी यहाँ से निकल चुके हम लोग बोरीवली से। एक जो भाई था उसका वेट कर रहे थे, बट वो अभी तक निकला नहीं है, लेट होगा उसको, तो वो भाई आएगा पीछे से आराम से। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं सेकंड मीटअप पॉइंट के लिए। और ये जो अजिंक्य भाई है उनका जो है एक्सपल्स है। यार धीरे धीरे सुबह हो रही है अभी, पर सीन कैसा ना कि धूप आने से अगर पहले अपन पहुंचे ना भाई तो बहुत ज्यादा सही रहता है, क्योंकि धूप आने के बाद गर्मी गर्मी गर्मी। और दोस्तों फाइनली हम लोग देसर टोल तक भी आ चुके हैं, अभी आगे निकलते यहाँ से धीरे धीरे ट्रैफिक को कटाते हुए साइड से चलेंगे। यार इतने सुबह सुबह इतनी गाड़ियां चल रही है, हम लोग यहाँ से सेकंड मीटअप पॉइंट पे रुकेंगे, वो शायद होगा फाउंटेन होटल के वहां पर, क्योंकि कल्याण साइड से भी पब्लिक आने वाली है, मतलब कुछ ग्रुप के लोग हैं।
मॉर्निंग राइड पर जो है दोस्तों बहुत लोग आते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग फाउंटेन होटल तक पहुंचने आ चुके हैं, बट उससे पहले शायद ये भाई जो है जिनके भाई है वो फ्यूल अप कराएंगे, तो चलो अपन भी फ्यूल अप करा लेते हैं। एक्चुअली जरूरत तो नहीं है बट करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पर अभी फ्यूल अप करा लेते सबसे पहले। यार बहुत सारे लोग जाते हैं राइड पर, तो भाई की गाड़ी में भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो दोस्तों पेट्रोल वगैरह भरवा के अभी यहाँ से निकल चुके हम लोग। यार आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग का व्यू, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। और ये कंटेनर्स के साथ में चलने के लिए मजा आता है। और दोस्तों अभी जो है सुबह के 6 बजे हुए, और जब से दोस्तों ये वाला ब्रिज बना है ना, तो नीचे की जो ट्रैफिक थी दोस्तों प्रॉपरली खत्म हो चुकी है। खत्म मतलब पूरी खत्म हो चुकी है यार, नहीं तो यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाते थे अपने, ज्यादा भी चले जाते थे, आधा घंटा भी चले जाता था। बट यार ये वाला ब्रिज बनने के बाद जो है ना अपने पूरा टाइम बच रहा है दोस्तों। सीधा यहाँ से स्ट्रेट निकल जाओगे आप लोग गुजरात हाईवे पर निकलोगे सीधा। यार व्यू इतना जबरदस्त आ रहा ना भाई, यार क्या बोलूं, थी गार्डन गार्डन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक जगह पर रुक गए, ये शायद सेकंड मीटर पॉइंट रखेंगे, क्योंकि कल्याण वाले जो लोग हैं अब सीधा आकर यहीं पर मिलेंगे हम लोग, शायद यहाँ पर रुकेंगे अभी। भाई का एक्सप्रेस देखो यार चमक रहा है। और अपना वीस्टॉम भी देख सकते हो आप लोग। सो गाइस बहुत टाइम वेट करने के बाद जो है ग्रुप के लोग भी आ गए, तो अभी फाइनली ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ पर 4 लोग हैं। और बाइक्स कौन कौन सी है, तो बाइक है एक एंटॉर्क है जो कल्याण से आया भाई, और दिखा दे तो ये यहाँ पर देख सकते हो एक एंटॉर्क एक बाइक की, और एक बाइक की है वाइट कलर की एक्सपल्स है, और दूसरे बाइक की जो है अजिंक्य बाइक की रेड वाली है एक्सपल्स है। सो दोस्तों फाइनली अभी यहाँ से निकल चुके, बहुत टाइम वेट करने के बाद अभी निकल चुके हम भी, और 4 लोग ही है, तो देखते हैं अभी एक और बंदा आने वाला है मतलब इनकी टीम का, तो पता नहीं अभी वो शायद से विरार में ज्वाइन करेगा। से पहले बारिश गिरा था, तो यार पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है रोड के लेफ्ट साइड में, अच्छा है कि बीच में नहीं हुआ है। यार मुझे तो लगा आज बारिश पूरा ज्यादा गिरेगा और जो प्लान है ना अपने वो कैंसिल करना पड़ेगा, बट अभी तो फिलहाल ठीक है, धूप वगैरह आ चुकी है। धूप में गर्मी ज्यादा होती है बट यार बारिश से तो धूप ही अच्छी है। फाइनली जो सुबह की अपनी मॉर्निंग वाली जो धूप होती है कड़क वाली वो भी आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यार बहुत कड़क वाली धूप है, देखा भी नहीं जा रहा। यार ट्रैफिक है क्या यहाँ पर भाई, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ये अपने एंटर वाले भाई है जिनका भी एक यूट्यूब चैनल है, और ये अपने एक्सप्रेस वाले भाई जिनका भी एक यूट्यूब चैनल है।
अरे भाई 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 ये क्या लेके चल रहा है भाई। अरे भाई 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 क्या सीन है। शायद यार साइड से निकलना पड़ेगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, हैवी ट्रैफिक है भाई। क्या हुआ पता नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कुछ सीन तो नहीं हुआ ना। ए भाई हाईवे कहाँ से लगेंगे। हाँ चलो चलो ठीक। ए भाई क्या सीन है। भाई ये क्या करके रख दिया इन लोग ने, इतना बड़ा हाईवे और क्यों बंद करके रखा है भाई, क्या सीन है इन लोग का। शायद लग रहा है कि आज की राइड कैंसिल करनी पड़ेगी यार, जिधर जा रहा उधर ट्रैफिक है, जिधर जा रहा उधर ट्रैफिक है। और ऐसी भी नहीं थोड़ी ट्रैफिक है यार, हैवी ट्रैफिक है सब जगह पर, देख सकते आप लोग। यार मुझे तो ये भी पता नहीं है कि विरार टोल को क्रॉस करना है या नहीं करना है, क्योंकि सिंचन लेक जो है कहाँ पर है मुझे पता नहीं है, बस इतना पता है विरार के आसपास में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे, मतलब लोकेशन बराबर से किसी को पता नहीं है इन लोग को भी, तो रुके थे जरा, अभी देखते। मैंने तो मैप लगा दिया क्योंकि लोकेशन किसी को भी पता नहीं है तो मैप लगाना ही पड़ेगा। मुझे लगा ये लोग में से कोई पहले गया होगा, बट कोई भी गया नहीं है, सबका फर्स्ट टाइम है। तो चलो निकलते अभी, तो लीड मैं करूँगा, आगे रहूँगा सबसे और सबको गाइड करूँगा पीछे से। तो चल ब्रो। तो भाई लोग यहाँ पर यार बहुत ज्यादा बेकार वाला ट्रैफिक लगा हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को देखा मैंने रिवर्स जा रहे थे, मतलब रॉन्ग साइड लेके फिर से रिटर्न जा रहे थे। तो पता नहीं अभी बाइक वालों का क्या सीन है, क्योंकि यार देख सकते हो अब लोग बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी बाइक वाले भी कहां तक जाते पता नहीं। अरे यार ये ऑटो वाले ने क्या सीन करके रखा है। अरे बाइक वाले की लेन में क्यों डाल रहा है यार ऑटो वाला। हाँ ऑटो वाला यार इसके पास स्टेयरिंग नहीं है ना कार की तरह, तो उसको लग रहा है वो भी बाइक ही चला रहा है। क्या बोलेंगे यार ऑटो वाले को, उसको लग रहा है यार वो भी बाइक की तरह फट से निकल जाएगा गली मार के। हाँ ये यार विरार टूर का सीन है, बट यार इतना लंबा ट्रैफिक, शायद 1-2 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा होगा, देखते अभी टोल कहाँ तक आता है। भाई तेरी कार नहीं घुसेगी यहाँ पर। दोस्तों फाइनली विरार टोल तक भी आ चुके हैं, ये क्रॉस कर लिया विरार टोल। अरे यार ये कार वाला किधर डाल रहा है यार, यहाँ से कार जाएगी। भाई ये बाइक वालों के लिए पर्सनल रोड है।